हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शशि कुमार एंड करंटली आई एम पर्सुइंग माय थर्ड एमबीबीएस। यार सबसे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, इस टॉपिक पे तुम बहुत सारा वीडियोस पहले भी देख रखे होगे और ये सबसे बड़ा मिस्टेक है तुम्हारा नीट के एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करने का कि तुम मल्टीपल मेंटर्स को फॉलो कर रहे हो। क्योंकि यार हर मेंटर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अलग बात बताएगा। अगर तुम अलग अलग मेंटर्स को फॉलो कर रहे हो तुम अपने आप को कुछ ही दिन में चेंज करते जाओगे। तो यार पहली चीज तुम्हें ये सुधारनी है कि एक प्रॉपर जिस भी मेंटर पे तुम्हें लगता है कि विश्वास है बस उसको फॉलो करो पूरे स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। ये तुम्हारी मर्जी है। स्टार्ट करते इस वीडियो को। तो यार इस वीडियो में हम क्या बता रहे हैं, वो सारे मिस्टेक्स जो शायद तुम कभी ना कभी कर सकते थे अपने प्रिपरेशन में या फिर करोगे आगे या फिर पिछले बार करे थे इस वजह से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, उन सारे मिस्टेक्स को सुधारना है। कैसे सुधरेगा ये चीज इस वीडियो में तुम्हें बता रहा। हाँ, कुछ ऐसी चीजें होंगे जो मैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे शेयर करूंगा कि यार ये मिस्टेक जो था मैंने करा था जिस वजह से मेरा मार्क्स कम आया, जिस वजह से मैंने निगेटिव कर लिया। यार ये कंप्लीट वीडियो होगा, आई थिंक ऐसा वीडियो यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यार हाँ, एक चीज बता रहा हूँ कि इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बच्चे की स्टोरी मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ उसके पीछे का रीजन मैं बता रहा हूँ। वो जो बच्चा था 98% मार्क्स 10th में स्कोर करा था, 10th में वो टॉपर भी था बट स्टिल उसने अभी तक नीट क्रैक नहीं कर पाया। उसका 4th ड्रॉप था, उसने मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज करा था और वो मैसेज का मैं स्क्रीनशॉट तुम्हें दिखा रहा हूँ। पढ़ना है तो पढ़ लो या फिर मैं बोलो तो मैं पढ़ के दिखा दे रहा हूँ। उन्होंने ऐसा मेंशन करा है कि वो कोटा में पढ़ाई करते थे 2 साल, उसके पापा बहुत सपोर्टिव थे जिसके वजह से यार एक बार में सिलेक्शन नहीं हुआ, 2 बार में सिलेक्शन हुआ बट वो छोड़ भी नहीं पा रहा था कि यार कैसे छोड़ दे, हमारे पापा इतना सपोर्टिव है, पापा बोल रहे हैं कि यार नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं तुम एक बार और ट्राई करो, है ना, नसीब में जब होगा तब हो जाएगा। इस वजह से क्या था कि यार वो छोड़ भी नहीं पा रहा था जबकि वो क्लास 10th का टॉपर था, 98% मार्क्स स्कोर करे थे 10th में बट स्टिल 4th अटेम्प्ट देने जा रहा है वो नीट का, अभी तक उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसा उन्होंने शायद बताया कि नीट 2023 भी दिया था और 400 मार्क्स आए हैं अभी, पहली बार में उसका 300 मार्क्स आया था, इन्होंने यहाँ पे मेंशन करा है। ऐसा क्यों होता है कि क्लास का टॉपर स्टूडेंट जो 10th में 98% मार्क्स स्कोर कर रखे वो भी नीट में 4 अटेम्प्ट लेके भी क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। मैं तुम्हें एक और रियल स्टोरी बताऊं, मैं जब क्लास 10th में था ना तो मेरे स्कूल में बहुत सारे मेरे बैचमेट्स थे जिन्होंने 10 CGPA स्कोर करा था, स्टिल अभी बहुत लोग नहीं कर पाए हैं, बहुत क्या आई थिंक कोई नहीं कर पाया मुझे ऐसा जहां तक पता है। बट मैं एक ऐसा स्टूडेंट था क्लास नर्सरी से लेके 10th तक टॉपर नहीं था, कभी टॉपर नहीं था बट स्टिल नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करा। अब चलो बताता हूँ कि क्या मिस्टेक्स है जो नहीं करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी हमें रखना चाहिए नीट 2024 के प्रिपरेशन के लिए। ये तुम्हें पढ़ना होगा तो स्क्रीन को पॉज करना, पढ़ लेना। बहुत अच्छा बच्चा था, इसको मैंने बाद में कॉल करके बहुत समझाया भी। एक चीज सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट यही पे तुम्हें बता दे रहा हूँ कि अगर तुम खुद को ऐसा मानते हो स्कूल के टॉपर हो और तुम नीट को जस्ट लाइक ईटिंग हलवा एंड रसगुल्ला, मैंने लिखा है ना कि जस्ट लाइक ईटिंग हलवा एंड रसगुल्ला तुम आसानी से क्रैक कर लोगे क्योंकि तुम 10th के टॉपर हो, तुमने स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, ऐसा अगर तुम सोच रहे हो तो सबसे बड़ा गलती तुम कर रहे हो। 10th एक अलग चीज था मेरे मित्र, 10th अलग चीज था, नीट अलग है। पहला ये माइंडसेट क्रिएट कर लो, नीट एक बहुत बड़ा सिलेबस का कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, बोर्ड नहीं है। इसका स्ट्रेटेजी अलग होगा, इसमें तुम रट के कभी नहीं क्रैक कर सकते हो, 10th तुम रट के कर सकते हो, याद रखना 10th अलग है। ठीक है, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं दूसरा गलती, पहला तुम्हें समझ में आ गया, दूसरा डोंट थिंक दैट यू कांट इंप्रूव योर मार्क्स फ्रॉम 100 से 600, 100 से 700, 206। मैं ये रैंडम नंबर नहीं लिख रहा हूं, मैं कुछ बता रहा हूं, सुनो एक रियलिटी बता रहा हूं। अभी 2023 का एग्जाम हुआ था, कुछ बच्चे ऐसे थे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में 710 मार्क्स स्कोर करते थे, 710 फर्स्ट अटेम्प्ट में करे थे। हो सकता है मान रहे हो कि वो बच्चा जो होगा क्लास 8 से क्लास 9 से प्रिपरेशन कर रहा होगा, मान सकते हैं हम कि कर रहा होगा। ठीक है, बट यार मुझे एक चीज़ मुझे बताना यार, तुमने भी 2 ड्रॉप तो ले रखा है ना, तुमने भी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन कर रखा है ना, और वो बच्चों कंपैरिजन में जो पहली बार नीट देने जा रहा है उसके कंपैरिजन में एक्स्ट्रा प्रिपरेशन है ना तुम्हारा, तो यार मुझे बताना कि तुम क्यों नहीं 710 स्कोर कर सकते हो। तुम अपने आप को ये अज्यूम करो कि ये मेरा 0 से स्टार्ट है, मैंने जो पहले प्रिपरेशन करा था, जो मेरा पहला ड्रॉप था वो मेरे लिए एक्स्ट्रा था। वैसे स्टूडेंट जो क्लास 8-9 से पढ़ते हैं, तुम ये अजम्पशन कर लो कि मेरा जो पहला 2 ड्रॉप था वो क्लास 8 और 9 जैसा था।
समझो मेरी बात को, वैसा जमसन कर लो और ये सोचो कि हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में 600-700 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, तो यार तुमने तो पहले भी थोड़ा सा कर रखा है ना, तुम क्यों नहीं कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो? समझ में आ गया ना? तो अगर तुम बिल्कुल भी ऐसा सोच रहे हो यार अगर मेरा 100 नंबर आया है हम 600 पे नहीं जा सकते हैं, तो ये गलत मिसकॉन्सेप्शन है। कर सकते हो, मैंने तुम्हें बताया ना क्यों कर सकते हो, क्योंकि यार अगर लोग जीरो से स्टार्ट करके 700 फर्स्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो यार तुम तो पहले भी बहुत कुछ कर रखे हो। एम आई राइट? तो ये पहला थिंकिंग करो। एनटीए का ट्रेंड अब क्या आया है? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनटीए का ट्रेंड बता रहा हूं। सीबीएसई पहले होता था भाई, अभी एनटीए चल रहा है, अगला साल एनएमसी आएगा। एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर तुम रैंडमली बहुत सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन अगर तुम्हें आइडिया नहीं है यार क्वेश्चन जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हम किस प्रकार से करें कि हमारा नीट में अच्छा हो जाए। देखो यार, घर पे क्वेश्चन बना लेना कोई बड़ा सा बात नहीं है। तुमने बहुत बार ये चीज देखा होगा कि मॉक टेस्ट में क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन वही क्वेश्चन रूम पे बन जाता है। तो मेरे मित्र, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने का थोड़ा सा ये माइंडसेट को चेंज करना होगा। भैया क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ टू सॉल्व मॉड्यूल क्वेश्चन। यार जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करना, रैंडमली मत करना। रैंडमली मत करना कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया बात खत्म, ऐसा नहीं। अगर कोई क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो जाता है, जस्ट थिंक कि ये क्वेश्चन लाइक कभी टेस्ट में आएगा, कभी एग्जामिनेशन में आएगा, तो उस समय हम क्या अप्रोच लगाएंगे, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा। यार आई थिंक वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? तो यार प्लीज ऑनेस्टली बता रहा हूँ, पूरा देखना क्योंकि तुम्हें समझ में आएगा कि क्या गलतियाँ हैं। मैं आगे 12-13 गलतियाँ बताऊंगा यार जो तुम कर सकते हो। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है एक बार सोचना यार ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में आएगा, ऐसा क्वेश्चन कभी मॉक टेस्ट में आएगा, तो हम क्या अप्रोच लगाएंगे। अभी तो मैंने रिवाइज करा था इसलिए मेरे से बन गया, आज ही टीचर ने क्वेश्चन चैप्टर पढ़ाया इसलिए मेरे से बन गया, बट एग्जाम में हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए ये तुम्हें माइंड में रखना है। असर्शन रीजन क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना है, अभी का ट्रेंड मैं बता रहा हूँ, और स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करना। डोंट सॉल्व टाइम टेकिंग क्वेश्चन, टाइम टेकिंग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, क्योंकि यार ये नीट है, ये बोर्ड नहीं है। यहाँ पे एचसी वर्मा का सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं है, एचसी वर्मा का ऑब्जेक्टिव सिर्फ करना है। एनसीईआरटी का बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना है, स्टेटमेंट पे फोकस करना है, ये एनटी का ट्रेंड है। डोंट सॉल्व सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। ये क्वेश्चन सॉल्विंग का स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है उसको मार्क कर लेना, ठीक है? पहली बार तुमने मॉड्यूल सॉल्व करा, मॉड्यूल के क्वेश्चंस को पहली बार पूरा करो, लेकिन वही क्वेश्चन को दोबारा मत करना। मार्क कर लो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये एक अलग कॉन्सेप्ट हमको सिखा के गया है, इसको हम मार्क कर लेते हैं, इसको हम अगली बार सॉल्व करेंगे। ये स्ट्रेटजी अपनाने से क्या होगा पता है, लास्ट के समय में जब तुम रिवीजन करने के लिए जाओगे ना, उस समय तुम्हें बहुत फायदा होगा। तुम आराम से बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और उसमें क्या होगा, तुम्हारा टाइम बहुत बचेगा। ठीक है, समझ में आ गया ना क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है? और अगर क्वेश्चन लगता है रिपीटेड क्वेश्चन बार बार आ रहा है, बस माइंड में सॉल्व करो। यार ये चीज मैंने बहुत बार करा है कि माइंड में क्वेश्चन सॉल्व करो, जस्ट थिंक यार हाँ इस क्वेश्चन में ये अप्रोच है, ये स्टेप होगा, ये बस डोंट यूज पेन एंड पेपर। ठीक है, आगे बता रहा हूँ, डोंट थिंक अनदर ड्रॉप। अगर तुम अभी से ये सोच रहे हो ना, लाइक देखो यार तुम्हारा अगर ड्रॉप है, अगर तुम्हें पेरेंट्स बोल भी रहे यार कोई बात नहीं बेटा, अगर इस बार भी नहीं होगा तो अगला बार ड्रॉप लेके कर लेना, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो, अगर ये तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट है फिर भी अगर तुम ड्रॉप का सोच रहे हो, लिटरली बता रहा हूँ बहुत कम मार्क्स आएगा। अगर तुम अभी से ड्रॉप का सोच रहे हो ना, तुम्हारा बहुत कम मार्क्स आएगा। एग्जाम से पहले ड्रॉप का नहीं सोचना है, ये लिख के ले लो कहीं पे कि जब तक एग्जाम मेरा नहीं होगा मैं ड्रॉप का नहीं सोचूंगा, मुझे पहले बेस्ट परफॉर्म करना है, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। एग्जाम से पहले ड्रॉप का नहीं सोचना, अभी से ड्रॉप का नहीं सोचना, अभी तो एग्जाम का बहुत दिन टाइम है यार, 9 महीना इनफ होता है, 10 महीना इनफ होता है किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए, मैं लिटरली खुद से बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये अभी से ड्रॉप का मत सोचना, यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। अब तुम्हें बता रहा हूँ कि आर यू वेटिंग फॉर लास्ट टू मंथ स्ट्रेटेजी। भाई सबसे बड़ा गलती है, लास्ट के मंथ में ना क्रैश कोर्स लॉन्च होंगे, हर कोचिंग वाले क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगे, और क्या तुम उसी के लिए बैठे हो कि क्रैश कोर्स जब लॉन्च होगा तब हमारा सिलेबस खत्म होगा? भैया पिछले साल पता है, पिछले साल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे ना जिनका सिलेबस खत्म नहीं हो पाया था, भाई सिलेबस को सही तरीके से सही समय पे खत्म करना है, और क्रैश कोर्स के लिए वेट मत करना कि कोई क्रैश कोर्स लॉन्च होगा। देखो यार क्रैश कोर्स से कुछ नहीं होता, मैं कसम से बता रहा हूँ, क्रैश कोर्स से कुछ नहीं होता, बस वही स्टूडेंट वहां पे कर पाएंगे जो पूरे साल मेहनत करे थे, वहां पे जाकर बस रिवीजन कर पाएंगे, क्रैश कोर्स से कुछ नहीं होता है। समझ में आ गया मेरी बात? छठा पॉइंट देखना, लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर तुम्हारा रिसोर्स क्या होना चाहिए। देखो यार
पहले तो एक फिक्स टीचर रखो, ये फिजिक्स मुझे इनसे पढ़ना, केमिस्ट्री मुझे इनसे पढ़ना, बायोलॉजी मुझे इनसे पढ़ना, ठीक है, एक सिंगल टीचर को फिक्स करो सबके लिए। लेकिन अगर कोई चैप्टर समझ में नहीं आता है तो तुम मल्टीपल टीचर को फॉलो कर सकते हो, इसमें कोई गलती नहीं है। समझ में आ गया? फिजिक्स तुम किसी और से पढ़ सकते हो अगर कोई चैप्टर स्पेसिफिक चैप्टर तुम्हें नहीं समझ में आया तो, ठीक है। अब देखो कुछ रिसोर्सेस है जो मैंने यहाँ पे मेंशन करा है, जिसको सिर्फ और सिर्फ उसी को यूज करना है तुम्हें, ठीक है। पहली चीज, क्लास का लेक्चर जो तुम्हारा सर ने पढ़ाएंगे, क्लास का ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी लेक्चर, क्लास का नोट्स तुम्हारा सर बनाएंगे। यार ईमानदारी से नोट्स को बनाना, अगर नोट्स नहीं बना रहे हो ना तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो तुम, तुम्हारा बहुत ज्यादा लॉस होगा, लास्ट के समय में रिविजन नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्लास का नोट्स प्रॉपर बनाना, क्लास के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, पर डे डीपीपी जो तुम्हें मिलेगा उसको सॉल्व करना, एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चन मैंडेटरी है, एनसीईआरटी को रीड करना मैंडेटरी है, ठीक है, एनसीईआरटी मैंडेटरी है बायोलॉजी के लिए और केमिस्ट्री के लिए। फिजिक्स नहीं भी करोगे चलेगा, मैंने अभी रिसेंटली कुछ टॉपर से बात करा, उन्होंने बताया कि भैया एनसीईआरटी नहीं भी करते तो चलता है, क्योंकि हम लोग इतना ना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम बना लेते हैं। तो आई कैन से कि फिजिक्स का एनसीईआरटी इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर दोज स्टूडेंट जो बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी क्लास 12th का, 11th का नहीं, 12th का, ठीक है। तो एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ोगे चलेगा, लेकिन थोड़ा सा एक और चीज करना कि कुछ कुछ पॉइंट्स टू पॉन्डर, लाइक कुछ इंपॉर्टेंट डाटा बॉक्स ये सब देख लेना, ग्राफ ये सब देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन बैंक के लिए एक बुक तुम्हारे पास स्पेसिफिक होना चाहिए और एक प्रीवियस ईयर के लिए होना चाहिए, ठीक है भैया। बुक 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 एचसी वर्मा नहीं यार, एचसी वर्मा नहीं, नीट के लिए नहीं है, नहीं है, लिख के लो नीट के लिए एचसी वर्मा नहीं है, आईआईटी के लिए, जेईई के लिए, ठीक है। डीसी पांडे चल सकता है, डीसी पांडे चल सकता है, एनसीईआरटी तो करना ही है यार, एनसीईआरटी के लाइक थ्योरी पढ़ना है, केमिस्ट्री में जाकर क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना, केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक क्वेश्चन सॉल्व करो, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन सॉल्व करो, बायोलॉजी के लिए क्वेश्चन सॉल्व करते ही नहीं एनसीईआरटी के, एग्जाम्पल वाले करो, ठीक है। तो ये मैं क्वेश्चन बैंक के लिए कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ, एससी वर्मा नहीं, डीसी पांडे कर सकते हो, एनसीईआरटी करना है, एसएल अलोरा का आता है वो भी कर सकते हो, एमटीजी भी कर सकते हो, ठीक है, ये ऑप्शन है तुम्हारे पास। क्वेश्चन सॉल्व करने पे ज्यादा फोकस करना है एज कम्पेयर टू बुक रीडिंग और लेक्चर देखने, एज अ ड्रॉपर तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना होगा। अगर तुम फ्रेशर हो कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करो, लेकिन अगर तुम ड्रॉपर हो तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना, अगर कोई चैप्टर को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था तो कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करना, लेक्चर देखना, लेकिन उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस इनफ करना, इनफ, ताकि तुम्हें एक फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। सॉल्व एटलीस्ट 200 से 300 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर, आल्सो ट्राई टू अराइज क्वेश्चंस फ्रॉम यू, खुद से क्वेश्चंस अराइज करने की कोशिश करना। एक वीडियो मैं तुम्हें यहां पे पिन कर दे रहा हूं, ठीक है, यहां पे पिन कर दे रहा हूं, जो कि मैंने बायोलॉजी में बताया है कि क्वेश्चंस कैसे अराइज करोगे, ठीक है, उसको एक बार देख लेना। मार्किंग करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मार्क करना, मैं बता रहा हूं कैसे, लाइक कोई भी क्वेश्चन अगर तुम मॉड्यूल वगैरह में सॉल्व करते हो वो लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो उसको मार्क कर लेना, ताकि फर्दर फ्यूचर में तुम कभी सॉल्व कर पाओ, ठीक है। डोंट जस्ट आस्क, हाँ ये चीज मैं बता रहा हूँ, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ यार, सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं फिजिक्स में कॉन्सेप्ट सीखने के समय में। यार फिजिक्स में टीचर कॉन्सेप्ट हमें सिखा देते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस देते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि क्वेश्चन टीचर्स ना लाइक खुद से एफर्ट्स नहीं लगाते हैं, ठीक है, डाउट के फॉर्म में टीचर्स हम क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन में डाउट आता है, कुछ भी आता है, तो वहाँ पे तुम्हें खुद का दिमाग लगाना है, क्योंकि सीखना तुम्हें है। टीचर को तो सब कुछ आता है यार, टीचर को सब कुछ आता है, पहले खुद से एफर्ट लगाना डाउट पूछने से पहले। टीचर तुम्हें बता देंगे लेकिन तुम क्या करके जाओगे वो मायने रखता है। तुमने दो स्टेप ही लिया था, बस तीसरा स्टेप नहीं जा रहा, तो वहां पे टीचर हेल्प करेंगे, लेकिन यार एटलीस्ट दो स्टेप तुम लो। फिजिक्स ऐसे नहीं सीखोगे अगर तुम टीचर्स के पीछे भागते रह गए, तो तुम्हें खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा फिजिक्स सीखने के लिए, नहीं तो अगली बार भी 100, 50, 60 नंबर आएगा, तुम्हें फिजिक्स में कभी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सिलेक्शन तीनों सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करने के बाद होगा, 600 नंबर वाले का सिलेक्शन नहीं हो रहा है लेकिन 615 का हो जा रहा है, मैं आगे बताऊंगा क्यों। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि यार भैया इतना सारा क्वेश्चंस कहाँ से आएगा, जरा इतने सारे क्वेश्चंस के लिए मैं तुम्हें एक टेलीग्राम चैनल सजेस्ट कर रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, मेंटर मी का टेलीग्राम चैनल है, जहां पे तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बोले तो क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है यार, साथ ही में बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट भी तुम्हें मिलेंगे, तो वो टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, और साथ में नीचे मेरा भी टेलीग्राम चैनल होगा उसको भी ज्वाइन कर लेना। आर यू जस्ट ट्राइंग टू कंप्लीट सिलेबस, सिर्फ सिलेबस खत्म करने के पीछे भाग रहे हो, सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। सिलेबस कंप्लीट करने से कुछ नहीं होगा, रिविजन कहाँ गया भैया, रिविजन कहाँ गया भैया, आपने बायोलॉजी तो पढ़ लिया, याद कौन करेगा भैया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कौन करेगा। सबसे बड़ी गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं, पूरे साल बस लेक्चर देखते हैं, लेक्चर देखना सबसे आसान काम है यार, सबसे आसान काम है लेक्चर देखते हैं, क्लास में क्वेश्चंस करवा दिए हो गया, भैया खुद का दिमाग कब लगाओगे, खुद का एफर्ट्स कब लगाओगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, हलवा थोड़ी ना है भैया, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, याद करना पड़ेगा चीजें,
क्वेश्चन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना नीट में ना, सब कुछ आंख बंद हो जाएगा, ठीक है, दिमाग काम नहीं करेगा जब तक घर पे क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं जाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है, लिटरली बता रहा हूँ, 100, 200, 300 क्वेश्चन हर चैप्टर से करो, तब जाके सारा कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर होगा। सिर्फ लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा। नौवा पॉइंट बता रहा हूँ, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट, इसका प्रैक्टिस तुम्हें स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ क्यों, 600 नंबर वाले जो स्टूडेंट होते हैं ना, इस बार सिलेक्शन नहीं होगा 600 का, नहीं होगा, मैं लिख के बता रहा हूँ, जनरल कैटेगरी से नहीं होगा, लेकिन 615 में भी हो जाएगा, ठीक है, 615 में भी हो जाएगा। भैया इन दोनों मार्क्स के बीच में ना 3 क्वेश्चन का मात्र डिफरेंस था, 3 क्वेश्चन का मात्र, भैया 600 और 615 वाले के बीच में 3 क्वेश्चन का मात्र डिफरेंस था। एक्यूरेसी मायने रखता है भैया, अगर तुमने 3 क्वेश्चन ना निगेटिव करा है ना, तो पछतावा होगा, पछतावा यार, 3 क्वेश्चन शायद मैं सही कर लिया होता तो मेरा 1 साल जो प्रिपरेशन का था वो वेस्ट नहीं होता। एक्यूरेसी टाइम मैनेजमेंट बहुत मैटर करता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। एक्यूरेसी अगर रहेगा ना तो मिस्टेक बहुत कम होगा, टाइम मैनेजमेंट अगर होगा ना तो तुम पूरा का पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस, सॉरी पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। 10वां पॉइंट बता रहा हूँ, आर यू एंजॉयिंग योर लाइफ नाउ, भैया एंजॉय कर रहे हो लाइफ क्या, सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्या रिलेशनशिप में हो, फ्रेंडशिप, चीटिंग विद योर पेरेंट्स, हैं, पार्टी, कुछ भी, मौज मस्ती सब चल रहे हैं ना भैया, अगर ये सब कर रहे हो ना तो कभी सोचना मत कि तुम्हारा सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि यार ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम बन चुका है जहाँ पे 22 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं और 22 लाख में से पढ़ने वाले बच्चे भी 5-6 लाख हैं जो लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। भैया उससे आगे तुम्हें 10,000 में रैंक लाना है ना, तो इन सब चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, इन सब चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, छोड़ देना यार, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि सेल्फिश बन जाओ, क्योंकि सेल्फिश बनोगे, किसी से मतलब नहीं रखोगे, तुम्हारा टाइम बहुत कम वेस्ट होगा। अगर तुम दोस्ती भी निभाना चाहते हो, फ्रेंडशिप भी निभाना चाहते हो और रिलेशनशिप भी निभाना चाहते हो, तो नीट का छोड़ दो, नीट ना हो पाएगा, ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन हो जाओ, हर काम को सही समय पे कंप्लीट करो, पंक्चुअल रहो, ठीक है, और सेल्फ बिलीव रखो कि यार हाँ हम कर सकते हैं क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, और ये तभी हो पाएगा जब तुम इस चीज़ों को फॉलो करो, ठीक है। बिलीव तभी आता है जब हम प्रॉपर तरीके से मेहनत कर रहे होते हैं। खुद से गद्दारी करोगे ना, खुद से गद्दारी करोगे ना तो जिंदगी भी तुम्हारे साथ गद्दारी कर देगा, ठीक है, फिर बाद में जाके रिग्रेट होगा कि अरे यार काश उस समय मेहनत कर लिए होते तो आज हम भी उस दोस्त की तरह लाइफ जी रहे होते। समझ में आ रहा ना, खुद से गद्दारी मत करना, मौज मस्ती करोगे तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा, सही बता रहे हैं हम, ठीक है। 11वां पॉइंट बता रहे हैं कि ऑलवेज वर्क ऑन मॉक टेस्ट। देखो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मैंने एक मॉक टेस्ट भी नहीं छोड़ा था, लेकिन एक चीज बता रहा हूँ कि मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉक टेस्ट की प्रॉपर एनालिसिस, मिस्टेक नोट्स बनाना, माइंड मैपिंग करना। अगर कोई मॉक टेस्ट में कोई क्वेश्चन मान लो कि गलत हो गया तो उसके जो मिस्टेक्स है ना उसको अपने एनसीईआरटी में नोट डाउन करो, अपने नोटबुक में नोट डाउन करो, फिर उसको बार बार रिवाइज करो। अगर तुम्हारे मॉक टेस्ट में लो मार्क्स आए, क्यों आए, निगेटिव मार्क्स हुए, लैक ऑफ रिविजन था, नॉलेज नहीं था, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुआ था, कॉन्सेंट्रेशन लॉस हो गया था, सिली मिस्टेक हुआ था, नर्वस हो गए थे पेपर के समय में, इन सारे चीजों को तुम मॉक टेस्ट से डेवलप कर सकते हो, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। यही चीज है जो सिलेक्शन दिलवाता है, यही चीज है जो सिलेक्शन दिलवाता है, क्योंकि यही चीज है पेपर खराब करवाता है। इसको तुम मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करोगे, नोट डाउन कर लेना हर बात को, सारे के सारे बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 12वां कुछ लाइफ के रूल्स बता रहा हूं, ठीक है, जिसको तुम फॉलो कर लोगे ना तो आराम से किसी भी एग्जाम में तुम सक्सेस हो जाओगे, ठीक है। 7 रूल बता रहा हूं, 7 रूल लाइफ के बता रहा हूं, जिसको तुम फॉलो कर लोगे तुम हर एक एग्जाम में सक्सेसफुल हो जाओगे। पहला, 5 AM में उठने का आदत डाल लो, ठीक है। उठने के बाद कुछ बॉडी का एक्सरसाइज करो, कुछ माइंड का एक्सरसाइज करो। बॉडी के एक्सरसाइज में तुम दौड़ सकते हो, वॉक कर सकते हो, माइंड एक्सरसाइज में कुछ योगा मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है। प्लान योर होल डे, एक बार पूरे दिन को प्लान करो, फिर डोंट एक्सक्यूज फॉर प्रॉब्लम्स। अगर तुम्हें लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है उसके लिए एक्सक्यूज मत दो कि यार मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, हम पढ़ाई नहीं कर सकते। वर्क ऑन इंप्रूवमेंट, खुद के इंप्रूवमेंट पे काम करो, मेंटेन योर मोटिवेशन एट पिक लेवल, पिक लेवल, कोई डिमोटिवेट कर ही ना सके, ऐसा मोटिवेशन को हमेशा पूरे 1 साल तक मेंटेन रखो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑलवेज रिमेंबर कि व्हाई यू स्टार्टेड, आखिर क्यों तुम स्टार्ट किए थे और तुम्हें इस ये जो चीज है कहां तक ले जाएगी और तुम्हें कहां तक जाना है। ये कुछ बातें थी, अगर तुम अपने दिमाग में बिठा के रखते हो तो यार तुम लाइफ के किसी भी एग्जामिनेशन को आराम से क्रैक कर सकते हो। और ये कुछ मिस्टेक्स भी इसमें मैंने बता दिया था जिसको तुम्हें नहीं करना है। आई होप यार ये वीडियो तुम्हारे लिए लाइफ के सबसे लाइक ऐसा वीडियो होगा जो शायद तुमने कभी नहीं देखा होगा, ठीक है, और ये तुम्हारे लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो, ठीक है। बस फॉलो करना तुम्हारा काम है फॉलो करना, ठीक है, मेरा काम बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियोस के लिए। आई एम हेयर विथ यू, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।